विरार थाने की नशा निरोधक दस्ते की पुलिस ने 5,80,000 रुपए कीमत की 58 ग्राम ब्राउन शुगर बेचने आए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण बंगोसवी ने शनिवार को जानकारी दी है कि ये दोनों आरोपी राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं और ये बेचने के लिए साईनाथ नाका आए थे। शुक्रवार को नशा निरोधक दस्ते को खबर मिली कि दो व्यक्ति साईनाथ नाके पर नशीली पदार्थ खरीदने और बेचने वाले हैं। ये खबर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले को दी गई और उनके आदेश पर पुलिस निरीक्षक अभिजीत माटके को आगे की छापेमारी करने का आदेश दिया गया। ये छापेमारी सहायक पुलिस आयुक्त रामचंद्र देशमुख की पूर्व अनुमति से की गई। उक्त कार्रवाई में आरोपी नेपाल दुल्ले सिंह 50 वर्षीय, मोहम्मद अशफाक अब्दुल गफ्फार 40 वर्षीय के पास से 58 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 5,80,000 रुपए है बरामद किया गया। पुलिस ने उक्त नशीली दवा जब्त कर आरोपी के खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। एनडीपीएस विरोधी पदक है, उनको खबर मिली थी कि विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दो आरोपी है वो ब्राउन शुगर बेचने के लिए आने वाले है, तो हमने उसके ऊपर ट्रैप लगाया था। तो जब दो आरोपी वहां पर आ गए तभी हमने उनको पकड़ा, तो उनके जो हमने उनको चेक किया तो उनके पास में 58 ग्राम का अमली पदार्थ जिसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो उसकी कुल मिलाकर के कीमत 5,80,000 रुपए होती है। इसके साथ में दो आरोपियों को अरेस्ट किया है और एफआईआर दाखिल किया, आगे का इन्वेस्टिगेशन हमारे PSI चवन कर रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से लाए थे ब्राउन शुगर? ये अभी तो फिलहाल ये प्राइमरी स्टेज में हमारा इन्वेस्टिगेशन है, रात में तो रेड हुआ है, अभी सुबह आरोपी को रिमांड लेके जा रहे हो, तो रहने वाले तो राजस्थान का अभी बता रहे, उन्होंने बताया उसी मुताबिक उनका एड्रेस लिखा है, मगर पूरी जानकारी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, वो कहाँ रहते थे, कहाँ से माल लाया था और किसको देने वाले थे, इसके पहले उनका कुछ रिकॉर्ड है क्या, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपको सामने आएगा। सर कितने आरोपी को ताबे मिले? दो आरोपी को हमने अभी तक ताबे मिले। सर इस हफ्ते में कितनी कार्रवाई की गई? इस हफ्ते में हमारे लिए जो पदक है इसने तो कुल मिलाकर के ये पदक ने दो कार्रवाई किया है और डिटेक्शन ब्रांच ने एक कार्रवाई किया, कुल मिलाकर के तीन कार्रवाई हमारे एक हफ्ते में हुई।